जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही अपने YouTube परिवार में, और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC GD 2023 के मेडिकल के बारे में, यानी आपका मेडिकल कब होगा, साथ ही आपके क्या क्या मेडिकल पॉइंट्स होंगे, और कुछ एक मेडिकल पॉइंट्स के आपके कुछ एक टिप्स दूंगा जिसके अगर आप मेडिकल पॉइंट है तो आप वहाँ पर मेडिकल पास हो सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते वीडियो में, सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं SSC GD 2023 की, यहाँ पर मेडिकल आपका कब होने वाला है उस डेट के बारे में आपको यहाँ पर बता दूं। देखिए, आपका 22 जुलाई जो है आपका यहाँ पर मेडिकल यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि पहले से ही सब कुछ डिक्लेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक यहाँ पर डिले होने की वजह से एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप इसको फिक्स मान के चलिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपका जो फर्स्ट यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होने वाला है, आई टेस्ट का है। तो आई टेस्ट यानी आपका आंखों का जो टेस्ट है, उसमें आपका क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले देखिए, अगर आपका चश्मा यानी गॉगल आपका लगा हुआ है तो आपको उस टाइम वहाँ पर गॉगल नहीं लगा के जाना है। अगर आपको गॉगल लगा भी है तो आप वहाँ पर गॉगल उतार के जाइए, अगर गॉगल लगा के जाओगे तो आपको वहाँ पर मेडिकल आउट कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर रतौंधी, अगर कोई आपकी आँखें टेढ़ी मेढ़ी है तो ये भी बहुत यहाँ पर मेजर पॉइंट होता है। अगर आपका लेज़र ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है तो SSC GD में वो मान्य हो जाता है, आप वहां पर पास हो जाओगे, लेकिन अगर आपकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी है तो वो मेडिकल यहां पर फॉल्ट हो सकता है और आई टेस्ट में आपको यहां पर बाहर किया जाएगा। आपका देखिए 6:6 का यहाँ पर आपका जो आंखों का एक रेशियो होता है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, तो ये आपका आई टेस्ट होगा। इसके बाद नोज टेस्ट में आपका देखिए जो नाक होता है, जिसमें आपका जो नाक का हड्डी होता है, किसी किसी का नाक का हड्डी यहाँ पर बढ़ जाता है, उसके बाद आपको वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसी के साथ किसी की नाक जो है थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो उसमें कोई ज़्यादा मेजर फॉल्ट यहाँ पर न होने के बाद आपका मेडिकल पॉइंट नहीं बनेगा, तो नोज टेस्ट होता है आपका यहाँ पर नॉर्मली होता है। इसके बाद टीथ टेस्ट यानी आपका जो दांतों का टेस्ट है साथियों, वो यहाँ पर होना चाहिए। 28 आपका जो दांतों की संख्या है वो 28 से 32 यहाँ पर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपका पायरिया है यानी दांतों से अगर आपका खून आता है तो उसका भी इलाज है, आपके पास अभी बहुत समय है, आप यहाँ पर उसको ठीक करके मेडिकल पॉइंट आपका टीथ टेस्ट का यहाँ पर बचा सकते हो। इसी के बाद ऑपरेशन या सर्जरी जो मेजर यहाँ पर मेडिकल पॉइंट हो सकता है, देखिए सर्जरी या आपका अगर यहाँ पर कोई ऑपरेशन हुआ है, यानी आपका कोई अगर रॉड डली है, अगर आपका कोई फ्रैक्चर हुआ है, रॉड डली है, तो ये आपका मेडिकल पॉइंट हो सकता है और इसका कोई इलाज है भी नहीं। दूसरा, अगर आपकी सर्जरी हुई है, जैसे कोई पथरी की सर्जरी या लेज़र ऑपरेशन आपका कोई हुआ है, तो ये नॉर्मल में आता है, आपका यहाँ पर मेडिकल पॉइंट ये नहीं होने वाला, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट था कि अगर यहाँ पर पथरी का ऑपरेशन हुआ है तो क्या यहाँ पर आपको मेडिकल पॉइंट होगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट नहीं होने वाला है। ऑपरेशन अगर सर्जरी आपकी नॉर्मल है तो आपको यहाँ पर मेडिकल पॉइंट नहीं होगा। इसी के साथ ही देखिए 5 नंबर का यहाँ पर जो पॉइंट मेडिकल पॉइंट आता है, एक टैटू टेस्ट का, कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि हमने अगर पहले टैटू अगर या कोई का नाम लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पर मेडिकल पॉइंट होगा। तो देखिए, किसी धर्म से संबंधित या कोई छोटा सा अगर आपने नाम यहाँ पर लिखा है आपके हाथ के ऊपर, तो वो यहाँ पर मान्य होगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपने मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख रखा है, तो वो यहाँ पर मेडिकल पॉइंट हो सकता है। लेकिन जैसे छोटा सा कोई आपने वो नाम लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर मान्य हो जाएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिए, हाथ में पसीना आना, कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके हाथ में यहाँ पर पसीना आता है मेडिकल के समय, या ऐसे भी आपका नॉर्मली पसीना आता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको मैं बताऊं, क्योंकि आपने बोला शुरू में कि आप पॉइंट के लिए जो मेडिकल पॉइंट है उसमें आप एक आध कोई टिप्स भी बताओगे, तो इसके रिगार्डिंग एक टिप्स आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर हाथ में आपका पसीना आता है तो जो फिटकरी होता है उसको आपको पानी में डालना है और आपके हाथ उसमें डुबा के आपको 5 से 10 मिनट ये एक्सरसाइज डेली करनी है, इसके बाद आपका हाथों में पसीना आना कम हो जाएगा और आपका ये मेडिकल पॉइंट यहाँ पर बच सकता है। इसके साथ देखिए कैरिंग एंगल, कैरिंग एंगल क्या होता है साथियों, जो आपका हाथों का यहाँ पर जो जुड़ने के बाद जो एंगल बनता है उसको कैरिंग एंगल बोलते हैं। तो देखिए, आपको इसमें एक टिप्स यही बताऊँगा कि आपको जब मेडिकल के टाइम में आपका कैरिंग एंगल के लिए हाथ के सामने बोलेंगे तो आपको उस समय थोड़ा सा ज़्यादा एंगल क्रिएट नहीं करना है,
थोड़ा सा बचना इसके रिगार्डिंग, अगर आपका है नॉर्मली है तो आप इसमें बच सकते हो, लेकिन आपका कैरिंग एंगल का जो डिस्टेंस है वो अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पर मेडिकल पॉइंट बन सकता है। इसी के साथ देखिए फ्लैट फुट जो होता है, जिसके जिन बच्चों के फ्लैट फुट होते हैं उनके रिगार्डिंग ये पॉइंट है, लेकिन इसमें भी एक टिप्स आपको मैं बताऊँगा। अगर आपका फ्लैट फुट है तो आपको देखिए एक बॉल होती है, उस बॉल को आपको जो पैर होता है उसके नीचे रखकर, ऐसा पैर के नीचे रखकर यहाँ पर एक एक्सरसाइज डेली करनी है जिसको बॉल को दबाना है। तो यहाँ पर आपका एक फ्लैट फुट अगर है तो उसमें आपका एक्सरसाइज के बाद आपका थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मल होने का प्रयास हो सकता है। इसी के साथ साथ एक जूता भी आपको ऐसे बनवा दीजिए जिसमें कि ऊपर थोड़ा सा उठाव हो, जिससे कि आपका फ्लैट फुट यहाँ पर पॉइंट ना बने। इसके साथ देखिए नॉकनी देखिए, जो अगर आपके घुटने अगर आपस में मिलते हैं तो ये भी एक मेडिकल पॉइंट होता है और बहुत ज़्यादा ध्यान नॉकनी पर दिया जाता है। तो इस रिगार्डिंग आपको मैं यही बताना चाहूँगा, अगर जिसके घुटने अगर टच होते हैं तो देखिए उसका कोई इलाज है नहीं। अगर आपका बोला जाएगा कि घुटने पैर मिलाकर खड़े हुई है तो उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंदर की तरफ घुटनों को प्रेस करके खड़ा होना है, जिससे कि आपका यहाँ पर नॉकनी का पॉइंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए आपका ईयर टेस्ट, यानी आपका कानों का टेस्ट। अगर आपका कानों में पहले से ही थोड़ा सा सफाई करके जाइए, जो आपका कान का सफाई होता है वो करके जाइए। इसी के साथ साथ अगर आपका सुनने में कोई समस्या है तो वो यहाँ पर मेजर आपका मेडिकल पॉइंट होने वाला है, क्योंकि ईयर टेस्ट भी यहाँ पर बहुत सीरियसली लिया जाता है। चेस्ट में देखिए आपका चेस्ट में एक्सरे होगा, जिसमें आपका पूरा यहाँ पर चेस्ट में जो हमारी जो भी यहाँ पर चेस्ट में होगा तो वो आपका एक्सरे में दिख जाएगा। तो ये आपका चेस्ट का टेस्ट यहाँ पर होता है। इसके बाद देखिए आपका वेरिकस वेनिस जो होता है, आपका जो पैर के पीछे की साइड जो नसें होती है, ये भी बहुत ज़्यादा मेडिकल पॉइंट यहाँ पर कई बच्चों का होता है और मेडिकल में इस पॉइंट में बच्चे बाहर होते हैं। तो वेरिकस वेन में अगर आपको समस्या है तो आप उसका ऑपरेशन भी करा सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी अच्छा खासा समय है। ये भी एक बहुत मेजर वेरिकस वेनिस का एक पॉइंट होता है। इसी के साथ साथ देखिए प्राइवेट पार्ट का आपका क्या क्या टेस्ट होता है, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसका आपका टेस्टेड, जैसे पाइल्स हो गया, पाइल्स का आपका वहाँ पर टेस्ट होता है। इसी के साथ साथ जो आपका हाइड्रोसिल होता है, किसी का हाइड्रोसिल छोटा बड़ा होने के बाद जो डिफरेंस होता है तो उसका भी आपका हाइड्रोसिल का टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये प्राइवेट पार्ट का टेस्ट यहाँ पर होता है। तो नेक्स्ट इसमें अगला जो आपका टेस्ट होता है यूरिन का, यूरिन टेस्ट में आपका यहाँ पर जो भी आपके ब्लड में या यूरिन में जो भी पॉइंट्स है वो यहाँ पर यूरिन में आपका पता लग जाएगा, जो यूरिन टेस्ट आएगा आपका। उसके बाद आपका देखिए एक्सरे किया जाएगा, तो एक्सरे में आपका चेस्ट का एक्सरे हो गया और अदर जो भी आपका मेन पॉइंट है, जैसे हाथ हो गया जिसमें अगर कोई रॉड है या कोई पॉइंट कोई फ्रैक्चर है, तो वो सब आपका एक्सरे में यहाँ पर दिखाई देगा। तो एक्सरे आपका इसके बाद होगा। इसके बाद बीपी देखिए, कई बच्चों का बीपी यहाँ पर घबराने के वजह से यहाँ पर बीपी लो भी हो जाता है, हाई भी हो जाता है। तो आपको नॉर्मली बीपी नापते टाइम नॉर्मली आपको रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बीपी आपका नापिए। ईसीजी भी आपको, बहुत से बच्चों की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो ईसीजी में आपको बहुत केयरफुली रहना है, जो कि आपका मेडिकल पॉइंट हो सकता है। इसी के साथ साथ देखिए बर्न्स मार्क आपका, अगर कोई बचपन में कोई ऐसा आपका जल कोई पार्ट ऐसा है जिसमें जलने का निशान है तो वो भी आपका पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल था कि जलने का अगर हमारे बर्न मार्क अगर है तो क्या उसमें मेडिकल पॉइंट है। अगर बहुत ज़्यादा आपका स्किन जो है जलने की वजह से जकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपका अगर बड़ा यहाँ पर निशान है जलने का, तो वो आपका मेडिकल पॉइंट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपका है तो आप उसको भूल जाइए, आप ये मेडिकल पॉइंट आपका नहीं हो सकता है। साथियों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके पास अभी बहुत ज्यादा समय है इस पर काम करने के लिए, जो भी मेडिकल पॉइंट है जो कुछ एक टिप्स मैंने बताई है उसको फॉलो कीजिए। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर जो मेन आपका एक मेडिकल पॉइंट होता है बॉडी वेट का, यानी ओवर वेट या जो अंडर वेट होते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा अभी समय है। आप अंडर वेट और ओवर वेट दोनों यहाँ पर आपका कवर हो सकता है। अगर आपका वेट अंडर वेट है या अगर आपका ओवर वेट है तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप अपने हाथ में है, आपको कवर करना, आप कवर कर सकते हो।
तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, देखिए पसीना भी आ रहा है, बहुत गर्मी के दिन है, तो आशा करता हूँ आप जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ, SSC GD हो चाहे आर्मी भर्ती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।